राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो भक्तों, अभी हम आ गए हैं गंगोत्री। तो जा रहे हैं हम गंगोत्री मैया के दर्शन करने, और लड्डू गोपाल जी भी रेडी हो चुके हैं, तो स्नान वगैरह सबका हो चुका है, तो अभी जा रहे हैं हम दर्शन करने। राधे 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 राधे। क्या चाहिए? तो ये गंगोत्री की मार्केट है, तो अभी चलते हैं टेंपल की तरफ। चले। तो यहाँ पे रिया भी रेडी हो चुकी है, और आरुष भी, वो देखो कितनी ठंड लग रही है, टॉप ऑफ पाउडर रखा है इसमें। तो हाँ जी, रिया के डैडी भी रेडी हो। ये लो जी, रेडी रेडी फॉर गो। चलो भाई चलो। ये मार्केट है जी, होटल वगैरह भी यही है। तो हम रात को गंगोत्री आ गए थे, और ठंड इतनी थी, जीरो टेम्परेचर था यहाँ का, और अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। हाथ ऐसे हो रहे हैं, बिल्कुल सुन्न हो गए हैं ठंड के मारे। और धूप निकल गई तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप में काफ़ी सिकाई सी हो रही है। तो मैंने तो बाल वगैरह धोए थे ना अपने, तो धूप में सुखा लिए। सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी जब तक धूप नहीं निकली थी। और ये है यहाँ की मार्केट, लोटे वगैरह यहाँ पे पूजा का सारा सामान मिलेगा यहाँ पर। और ये मंदिर के पास ही है बिल्कुल। चलो, एक मिनट का रास्ता है टेंपल का। प्रसाद आगे से ही लेंगे, कैन वगैरह आगे से ही ले लेंगे। हाँ, और यहाँ ठंड काफी है, तो देखो कैप वगैरह भी है, सॉक्स वगैरह, स्वेटर वगैरह सब मिलेंगे। हम तो रख के ही लेके आए थे, हमें पता था ठंड मिलेगी, और सब रख के ही लेके आते हैं वैसे सर्दियों का। गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन करने जाते हैं क्योंकि ठंड मिलती ही है यहाँ पर। आई तो ये आ गया मंदिर, तो अभी पहले प्रसाद ले लेते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम गंगा मैया के पास, पहले हम गंगा जल भरेंगे, और यहाँ पे हम 365 बत्ती जलाएंगे गंगा मैया के पास। और आज कार्तिक का पहला दिन है जो हम गंगा मैया के दर्शन करने आए हैं गंगोत्री में। चलो, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और यहाँ पे पूजा भी करवा सकते हैं, जो यहाँ के पंडित वगैरह होते हैं, यहाँ पूजा भी हम करा सकते हैं। तो यहाँ पे गंगा जी पे हो रही है पूजा, हवन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे गंगा जी पे बैठ के पूजा करवा सकते हैं। हमने जला दी 365 बत्ती, तो अभी कर लेंगे गंगा मैया की आरती। जय हो गंगा मैया की जय। मैं भरू जय हो गंगे मैया की। तो सब पूजा कर रहे हैं अभी, रौनक चप्पल उतार रहे हैं। रंकेश तो आ जा भाई, रौनक की पूजा कराओ, जल्दी आ बेटा, रख के रख दे, आ जा। ठीक है।
ओम जया गंगे तेरे जया गंगे माता सामने बना दे बस जाओ ओम गंगे मैया। तो चलिए भाई हमारी पूजा भी होगी, गंगा जल भी भर लिया है, अब करते हैं दर्शन। सामने है टेंपल, आप देख रहे हो गंगोत्री का, और यहाँ लाइन लगी हुई है। करीबन लगेगा यार टाइम, मुझे लगता है कि एक घंटा लगेगा। चलो अब लाइन में लगते हैं और दर्शन करते हैं माता के। तो भक्तों मंदिर में अभी लाइन लग रही है, 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लग रही है। मैं तो बैठी हूँ मैं तो गोपाल जी को लेके, और रिया खड़ी हुई है लाइन में। लाइन देख सकते हो कितनी उधर तक लाइन लगी हुई है। तो अभी हमारा नंबर आने वाला है और मंदिर में काफी भीड़ है, और ये है सामने मंदिर। तो अभी धीरे धीरे लाइन चल रही है और लाइन ना बहुत लंबी लगी हुई है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए मैया के टेंपल के। और अंदर तो शायद वीडियो बनानी अलाउड नहीं है, तो हम आपको बाहर से ही दर्शन कराएंगे। और आप देख सकते हो पूरा हॉल पूरा भरा हुआ है, और लाइन तो थी बहुत लंबी। तो हम बहुत पीछे से आ रहे हैं, और ये आ गए भाभी जी लड्डू गोपाल जी को लेते हुए। बोल वंशिका बोल, जय गंगे मैया की, जय जय। चलिए जी फाइनली लड्डू गोपाल जी और संगीता जी आ चुके हैं गंगोत्री के मेन टेंपल के बिल्कुल बाहर दर्शन करने। ये लो, और लड्डू गोपाल जी की स्माइल आप देख सकते हो। और ये है गंगोत्री जी का टेंपल, धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, और चारों तरफ देखो आप, पीछे आपको बर्फ भी दिख रही होगी, वो बर्फ। तो ये देखो भक्तों अभी दर्शन करके आ चुके हैं हम लोग सब। जैसे कि आप देख रहे हो सामने, ये है गंगोत्री माता का टेंपल गंगोत्री धाम में, और इसके ऊपर से जो ग्रिल देख रहे हैं ना, यहीं से जाते हैं, गौमुख का रास्ता जाता है और ऊपर से निकल जाते हैं गौमुख जिसने जाना है, और इसके जो ये पीछे से भी आप जा सकते हो। चले तो अभी हम लगा रहे हैं लड्डू गोपाल जी को भोग, और जिस आश्रम में हम रुके हुए हैं तो वहीं पे बिना प्याज लहसुन का खाना बना था, तो लड्डू गोपाल जी को सीताफल की सब्जी, चावल और रोटी और पापड़ का भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल। तुलसी मैंने इनके पास रख दी है, और यहाँ पे हम सब भी खा रहे हैं आश्रम में बैठ के खाना। थाली लग गई है सबकी। तो अभी हम जा रहे हैं गौरी कुंड के दर्शन करने, और आपको भी कराएंगे गौरी कुंड के दर्शन। तो ये गौरी कुंड का रास्ता है जहाँ हमने आश्रम लिया था, उसके पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो चलो आपको भी गौरी कुंड के दर्शन कराते हैं। तो चलो गौरी कुंड के दर्शन करके आते हैं, और यहाँ पे गौरी माता चरण चिन्ह के भी दर्शन करके आएंगे। और ये है ब्रिज, और ब्रिज पे आप देख सकते हो कितना सुंदर नजारा है, और यहाँ से आ रही है हमारी गंगा मैया। बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ज्यादा सुंदर। तो भक्तों सभी गंगोत्री होके जाते हैं, मगर गौरी कुंड कोई नहीं होके जाता, वैसे जाना चाहिए, पास में ही है। और यहाँ का नजारा भी बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर गंगा मैया, और फ्लावर देखो कितने सुंदर खिले हुए यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है, और व्यू यहाँ का बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो हम गौरी कुंड के दर्शन करने जा रहे हैं। ये देखो कितने सुंदर फूल है, अरे नहीं ए गुलाब के फूल देखो कितने बड़े फूल है यहाँ पे, सुनो गुलाब के फूल देखो कितने बड़े बड़े हैं। हाँ। ये देखो वहाँ से जाएगी, कितने सुंदर फूल है, नीचे से नहीं जाएंगे।
तो अभी आ चुके हैं हम गौरी कुंड, और चरण चीन इधर ही है नीचे है क्या गौरी कुंड, ये है क्या है? तो भक्तों ये है गौरी कुंड, आप देख सकते हो नीचे कितनी तेज बहाव है गौरी कुंड का, पीछे से आ रहा है। हाँ बहुत सुंदर पहाड़ है। और ये है गौरी मैया के चरण चिन्ह, गौरी कुंड के पास ही गौरी मैया के चरण चिन्ह है यहाँ पर। तो गौरी कुंड के पास हमारे महादेव जी का मंदिर है, तो हम यहाँ दर्शन करने आए हैं और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं महादेव जी के, तो हमने पूजा कर ली है और यहाँ पे गौरी माता भी बैठे हुए हैं साथ में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तों अभी हम जा रहे हैं सूरज कुंड जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ का पीछे का व्यू देख सकते हो कितना सुंदर है, ये जो वाइट पत्थर है कितना सुंदर है, पीछे से जो गंगा मैया बह के आ रही है वो देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं सूरज कुंड, ये देखो गंगोत्री धाम में गंगा मैया बहती हुई, ये देखो कितना बहाव है, बहुत ही सुंदर है। तो यही है सूर्य कुंड, जो कि सूर्य की जो रोशनी जो पहली किरण पड़ती है इसी पे पड़ती है, जो पत्थर दिखना है ना वाइट वाइट इसके ऊपर, तो इसको सूर्य कुंड बोला जाता है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं हरसिल जाते हैं या फिर कहीं और कोई मंदिर है यहाँ पे आसपास वो देखेंगे। तो भक्तों अभी हमने आपको गंगोत्री के दर्शन कराए और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, देखते हैं घर तो पहुंचेंगे नहीं आज, तो इस वाले ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। राधे राधे।